कबूल है वाले अयान आज आपके सामने कबूल करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को करना कबूल किया। जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे फैसले आप अकेले ले रहे और निकम पर अमल कर रहे हैं। मुझे कहना है ये रोल मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी पर्सनली इज बिकॉज मैंने ऐसा किरदार मैंने कभी नहीं किया है। मैं जब 19 या 20 साल का था आई वॉज प्लेइंग वेरी मैच्योर कैरेक्टर्स एंड वेरी सटल कैरेक्टर्स टेलीविजन करने के बावजूद बालिका में और बाबा एस ओवर में द सीरियल में और ये जितने भी शोज मैंने पिछले 4 या 5 साल में किए हैं तो आई हैव ऑलवेज प्लेड द अंडरडॉग और जो बहुत सटल है जिसके अंदर बहुत अंडरकरंट होता है बट दिस गाय इज वेरी इमैच्योर। ये कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचता नहीं है और हिज माइंड डजंट फंक्शन दैट वे। ही इज इमोशनली वेरी वॉलेटाइल ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। तो बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है बहुत ही बचकाना सा है और उसी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मैं उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा हूँ एज द डे गोज बाय एंड आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। तो फ्रॉम प्लेइंग कैरेक्टर्स विच वर नॉट माई एज इन दैट टाइम सो आई जस्ट थॉट कि एट द एज ऑफ 26 आई गेस आई कैन प्ले समवन हु इज 20 एंड हेंस द चैलेंज टू शट योर माइंड एट टाइम्स। द प्रोड्यूसर्स वर वेरी काइंड उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया एंड आई वॉज सरप्राइज ऑनेस्टली। उन्हें पता था कि मैं खाली बैठा हूँ बिकॉज मैं खाली बैठा था काफ़ी वक्त। मैं मार्च 5 से खाली बैठा हुआ था तो आई ट्रैवल्ड एज मच एज आई कुड आई रेड एज मच एज आई कुड और बहुत सोया मैं। तो देन आई सडनली गॉट अ कॉल फॉर दिस शो एक्चुअली एंड देन आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। To watch more, subscribe to youtube.com/teletalkindia.